देखो ये खिलजी डायनेस्टी के बारे में, इनका पूरा ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये आगे तक ये वाले हिस्से में दिखाई देंगे। ये पूरा हिस्सा इन्होंने कब्जे में ले रखा है। ये पूरा हिस्सा इनके कब्जे में है। फिर ये वाला हिस्सा, खिलजी डायनेस्टी की पूरी, खिलजी या खिलजी डायनेस्टी लिखते हैं, तो जो खिलजी वंश है इसका पूरा ये कंट्रोल दिखाई देता है। ठीक है, इस एरिया तक दिखाई दे रहा है। साउथ में थोड़ा कम है, इस एरिया में देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां महाराष्ट्र तक जरूर दिखाई देगा। महाराष्ट्र और इस एरिया में, केरल तमिलनाडु में नहीं दिखाई दे रहा। ये किसे रिप्लेस करके आए हुए थे? खिलजी डायनेस्टी का पीरियड क्या है, ये कब से कब तक बने रहते हैं? 1290 एडी टू 1320 एडी, एडी मतलब ईस्वी, 1320 ईस्वी से लेके और 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक ये खिलजी डायनेस्टी का समय काल दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ फेमस से रूलर्स हैं, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, जलाल उद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, ये कुछ फेमस से रूलर दिखाई देते हैं। पहला कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। 1292-96 एडी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। बेसिकली देखें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तो ये इंडियन मुसलमान्स हैं और भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, या भारत में ही पले बड़े मुसलमान हैं। कौन है ये लोग? इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स हु बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। यह भारत के वो मुसलमान हैं जो भारत में ही जन्मे थे और भारत में ही जिनका पालन पोषण हुआ था, या भारत में जन्मे वह मुस्लिम थे जो यहीं पले बड़े थे। इसका फर्क पड़ेगा क्या? ये यहीं पले बड़े थे। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है जलालुद्दीन खिलजी का? ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी बताओ? मलिक फिरोज। ठीक बात है, मलिक फिरोज, ये ओरिजिनल नेम है इसका, ओरिजिनल नेम। इसका वास्तविक नाम है मलिक फिरोज, वास्तविक नाम है मलिक फिरोज। ठीक है,
इसके अंडर में काम करता था। ही वॉज वर्कड अंडर बलबन, एक अलग सुल्तान है बलबन, उसी के अंडर में काम करता था। ही वर्कड अंडर बलबन, बलबन के अंतर्गत काम करता था, बलबन के अंतर्गत कार्य करता था। हर एक जो एम्पायर है, हर एक एम्पायर, हर एक रिजीम, हर एक सुल्तान, ये सब अलग अलग पीरियड में है। ईच एंड एवरी पीरियड इज सेपरेट। जैसे हमारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन नहीं होता कि अगर हमने इल्तुतमिश नहीं पढ़ा तो फिर हमें खिलजी नहीं पढ़ना चाहिए। कोई मतलब है क्या इल्तुतमिश का खिलजी से? देर इज नो लिंक बिटवीन इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, है ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। खिलजी अपना काम करेगा और इल्तुतमिश अपना काम करेगा, बलबन अपना काम करेगा। देर इज नो नीड टू रिलेट। जैसा हमारे दिमाग में होता है कि एंशियंट नहीं पढ़ा तो मिडवल कैसे पढ़े, सब अलग अलग है क्या? इवेंट टॉपिक ही अलग अलग है सारा, तो हर एक टॉपिक को आप फ्रेश मान के और वैसे ही देखना चाहिए, ठीक है? चलो, अब इसका पीछे से कोई लिंक ही नहीं है, बस एक राजा है, एक सुल्तान है जो इस पीरियड में आ गया है। यह उस गद्दी पे नहीं बैठा जिस पे इसका बलबन जो राजा था वो बैठा था। मतलब इसने अपनी अलग प्लेस बना ली। ही नेवर सेट ऑन द थ्रोन यूजुअली ऑन विच बलबन यूज टू सेट। यह उस गद्दी पे नहीं बैठा जिस पे इसका राजा बलबन बैठता था, यह अलग साइड में बैठता था। एक होता है ना रिस्पेक्ट, एक होता है ना गद्दी जैसे बना दी जाती है तो उस पर कोई बड़ा बुजुर्ग ही बैठेगा। जैसे घर और में कभी कभी पुराने लोग करते थे कि ये बाबा की गद्दी है या ये दादा की गद्दी है, इस पर कोई नहीं बैठेगा। हुआ है कभी, देखा है ऐसा? या किसी पंडित पुजारी की गद्दी अलग बना दी जाती है और उस पर लिखा होता है कि डू नॉट सिट हियर, देखा है मंदिरों में? यानी कूद के गए वहीं बैठ गए और नहाए भी नहीं हो। चलो नेक्स्ट देख रहे। इसकी जब उम्र हो गई 70 years, ही बिकेम सुल्तान। इन द एज ऑफ 70 years ही बिकेम सुल्तान। इसलिए दिन कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है? ही बिकेम सुल्तान कितने साल की अवस्था में, इसलिए अपने को बुझा हुआ कभी भी नहीं समझना चाहिए। अब ये नहीं कि 70 साल तक तैयारी कर रहे हो। यह सुल्तान बना 70 साल की उम्र में, यह सुल्तान बना। इस घटना को खिलजी रिवोल्ट भी कहते हैं, खिलजी रिवोल्ट, इंसिडेंट नोन एज खिलजी रिवोल्ट, इंसिडेंट नोन एज खिलजी रिवोल्ट। व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन, इंसिडेंट इन द हिस्ट्री नोन एज खिलजी रिवोल्ट। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को खिलजी विद्रोह कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कथन और कारण वाला देखा है क्या क्वेश्चन? एसर्शन एंड रीजन ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, ऐसे लिखा होगा। एक साइड ऐसा होगा एसर्शन, एक होता है कथन और एक होता है रीजन, नीचे लिखा होता है कारण। और लिखा होता है ना कि कथन, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर टू ट्रू बट रीजन इज नॉट सेटिस्फाई एसर्शन। देखा है ऐसा प्रश्न कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, या दोनों सही हैं और कोई मतलब नहीं है, ऐसा लिखा होता है ना नीचे इस स्टेटमेंट में। जिसने नहीं देखा तुरंत देखे, कब देखने का इरादा है, ठीक है? यही तो नहीं सोच रहे हो। खैर, एसर्शन और रीजन, देखो कैसा प्रश्न पूछा गया। पूछा यह गया कि जलालुद्दीन खिलजी व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन इंसिडेंट नोन एज खिलजी रिवोल्ट या
खिलजी विद्रोह या खिलजी रिवॉल्यूशन जो भी मान लो, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के गद्दी पे बैठने की घटना को क्या कहते हैं? खिलजी रिवॉल्यूशन। ये क्या हो गया? कथन। मैं रीजन दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम इंडियन मुस्लिम्स कैप्चर्ड सल्तनत। पहली बार भारतीय मुसलमानों ने भारत का साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। फर्स्ट टाइम इंडियन मुस्लिम्स कैप्चर्ड इंडियन सल्तनत। क्या रीजन एसर्शन को सेटिस्फाई करता है? क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है? इसको खिलजी रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में पहली बार भारत में जन्मे मुसलमानों ने गद्दी पे कब्जा कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आर सेटिस्फाइज ए, यही होगा ना। रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। समझ गए? नहीं आया समझ में? प्रश्न ऐसा पूछता है एग्जाम में। यू मस्ट रिमेंबर दिस पैटर्न ऑफ द एग्जाम, रीजन एसर्शन। एक से दो प्रश्न तो होते ही है मिनिमम, कई बार तो पांच पांच छह छह प्रश्न रीजन एसर्शन के होते हैं। करेंट अफेयर में भी रीजन एसर्शन दे देता है, नहीं? करेंट अफेयर में भी रीजन एसर्शन दे देता है। समझ गए? प्रश्नों के पूछने का स्वरूप समझ में आया? नहीं आया? आवाज किसी किसी की निकल रही है, इसलिए लग रहा है कि बाकी लोग नेशनल हाईवे बनाने में लगे हुए हैं। भर्ती तो नहीं हो गए? एक रिपोर्ट आई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कि अभी काम ठप चल रहा है, तो किसने किसने अपना व्यक्तिगत काम शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे मने कान में सूचना गई और दंदनाते हुए निकल गई, समझ ही में नहीं आया। ये आसान है, ये तो कहानी है, बस मैं ये बता रहा हूं कि पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में, किस इंफॉर्मेशन से हमें कैसी प्रश्न पूछी जा सकती है ना, यही है ना, ठीक है। तो यही सब इसके बारे में दिखाई दे रहा है। ऐसा देखोगे कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है, पहला ऐसा सुल्तान है जो एक डिक्लेरेशन करता है, प्रोक्लेमेशन। वो ये कहता है कि भारत में कोई भी सुल्तान बिना भारतीयों की सहमति के भारत पे शासन नहीं कर सकता। फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस काइंड बाई एनी सुल्तान इन इंडिया विदाउट पार्टिसिपेशन, विदाउट ऑथेंटिफिकेशन ऑफ इंडियंस, नो सुल्तान वुड रूल इंडिया। नहीं समझ में आ रहा है? भारत पे जिसको भी रूल करना होगा, ये तो बाद में भी सही हुआ। अकबर भी क्यों आसानी से शासन कर रहा था? क्योंकि भारत में लोकप्रिय था। आ रहा है समझ में? बिना भारतीयों के सहयोग के क्या कोई भारत में शासन कर सकता है? ये तो अंग्रेज भी मानते थे। तभी तो उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, जुडिशियल रिफॉर्म किए, लोगों को भर्ती किया। भारतीय ही तो थे। भारत की गुलामी का कारण कौन रहा अभी तक? हम भारत के लोग। इट्स अ रियलिटी। हम ही ने तो 3-5 किया ना, हम ही विदेशियों को बुला के लाते थे, हम ही देश को गुलाम बनाने में योगदान देते थे। वी डिड एवरीथिंग टू रूल दिस कंट्री। वी वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शनल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, एंड दैट इज वाई आउटसाइडर्स केम वन बाई वन। इट इज ट्रू फॉर द टर्किश इन्वेजन ड्यूरिंग द सल्तनत, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मुगल इन्वेजन्स, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। दे रूल्ड नियर अबाउट 200 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्यों रूल करके चली गई? कि हम महान थे इसलिए? नहीं लगता है चीखने कि हम हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अन्याय हो गया हमारे साथ, हमको किसी ने गुलाम बना लिया। किसने गुलाम बनाया आपको? खुद ही बन गए। अंग्रेजों की मुखबिरी कौन करता था? गांधी को किसने मारा? हम भारत के लोग। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो हमने करके दिखा दिया। ये देखो हमारी काबिलियत। चंद्रशेखर आजाद को कौन मुखबिरी करके मारने, सुसाइड करने के लिए बेबस कर देता है, शहीद होने के लिए? हम भारत के लोग। भगत सिंह क्यों पकड़े गए? हम भारत के लोग। गलत है। दयानंद सरस्वती को जहर किसने दे दिया? हम भारत के लोग। तो ये जितने महापुरुष है, इन सब के मृत्यु का कारण कौन बना? कोई आउटसाइडर नहीं, हम ही भारत के लोग थे।
आज देश में इतना खलबली मची हुई है, लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना डिवाइडेड हैं, तो कौन कर रहा है ये उत्पात? कौन व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना। कौन सोशल ब्लॉगिंग साइट्स पे अर्जी फर्जी वीडियोस बनाना, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, हेट स्पीच करना, हम ही कर रहे हैं ना, कि कोई आउटसाइडर कर रहा है? भारत में जितने भी अभी संसद पे हमला हुआ, उसमें अंदर से कौन सूचना दे रहा था? इंडियंस ही दे रहे थे। बिना इंडियंस के सहयोग के कोई आउटसाइडर भारत में आके कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले ये तो जान ले कि उसमें हमारा रोल कितना है। वी आर दी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यहाँ भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो जलालुद्दीन खलजी एक पहला व्यक्ति है जो ये मानता है, सुल्तान है जो ये मानता है कि विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडियंस नो वन विल गवर्न दिस कंट्री। कोई भी इस देश पे शासन नहीं कर सकता है। लिख लो इसे। जलालुद्दीन खलजी वॉज फर्स्ट सुल्तान हु एडमिटेड नो सुल्तान विल रूल इंडिया नो सुल्तान विल रूल इंडिया विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडियंस। ऐसा ये क्यों कह रहा है? अभी तक तो सब बाहर से आ रहे थे। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि खुद ही ये भारत का मुसलमान है। नहीं, खुद ही भारत का मुसलमान है। जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम शासन के लिए भारतीयों का सहयोग अनिवार्य माना। ये पहला ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जलालुद्दीन खलजी। नेक्स्ट, इसी के समय पहली बार सल्तनत का एक्सपेंशन साउथ इंडिया तक हुआ। मैंने बनाया था मैप। साउथ इंडिया मतलब वो महाराष्ट्र वाला हिस्सा, दौलताबाद जिसे देवगिरी भी कहते थे, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसी के समय हिस पीरियड नोन फॉर सल्तनत एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया वेयर हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अली गुरशप कैप्चर्ड देवगिरी और दौलताबाद कहाँ है ये? महाराष्ट्र। इसी के समय पहली बार सल्तनत कहाँ चला गया? दक्षिण भारत तक चला गया। इसका नेतृत्व किसने किया? हु लेड इट? हिज सन इन लॉ एंड नेप्यू, इसका भतीजा है और इसका दामाद भी है, इसका नाम है अली गुरशप। इसी के समय कहानी आ रही है समझ में? देखो, सुल्तान किस लिए जाने जाते थे? कि वो अपने क्षेत्र का मिलिट्री एक्सपेंशन कितना कर लेते हैं, समझ गए? कोई सुल्तान बहादुर कब माना जाएगा? जैसे आजकल प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिक पार बढ़ाते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्स बढ़ाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाते हैं। मोदी क्यों जाते हैं बार बार विदेश में? भाई, मोदी विजिटेड फ्रिक्वेंटली अब्रॉड टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज, टू टेक एडवांटेज इन द फॉरेन रिलेशंस, इन द ट्रेड, इन द बायलैटरल रिलेशंस। यही है ना, क्यों जाते रहते हैं विदेश? घूमने? क्या करने जाते हैं?
कुछ लोग कहते हैं कि घूमने जाते हैं। प्रधानमंत्री कोई हमारे जैसा खाली पद है क्या कि जहां देखो 6 घंटे से पार्क में बैठे हुए हैं? क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री का पद हल्के में ले रहे हो क्या? इस हल्की सोच को थोड़ा दूर करें। प्रधानमंत्री ऑफिस ऑफ पीएम इज वेरी वेरी बिजी। एक एक मिनट का रिकॉर्ड रखा जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 2-2, 4-4 महीने तक बुक होते हैं कि 2 महीने बाद वो अमेरिका जाएंगे, 3 महीने बाद वो यहां जाएंगे। समझ रहे हो? इट्स नॉट ईजी। हमारे जैसा नहीं है कि जैसे मान लो हम आ रहे थे रास्ते में डगमगाते हुए, क्लास करना है और बीच में किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, अरे चाय पियो। आपने कहा यार क्लास के लिए जा रहे हैं, वो कह रहा है छोड़ो क्लास तो रोज करनी है, चाय जो मैं आज पिला रहा हूँ वो अद्भुत है, अमृत है। हमने कहा चलो क्लास छोड़ देते हैं। ऐसा है करता है क्या प्रधानमंत्री? नहीं, एवरीथिंग इज फिक्स। तो हम इतना हल्का में क्यों बात करते हैं प्रधानमंत्री के लिए? मैंने आधे से अधिक लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पीएम मोदी इज टूरिंग फ्रॉम वन टू अनदर कंट्री। टूर पे हैं प्रधानमंत्री? टूर पे नहीं जाता है भाई, इसके फायदे भी मिले हैं। ये जो लगातार टूरिंग हुई है ना, मोर देन 200 कंट्रीज, इसका डिप्लोमेटिक हमें एडवांटेज भी मिला है। जो काम सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कह दो। अंदर ध्यान उतना नहीं है लेकिन बाहर तो अच्छा खासा ध्यान है। इट इज ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो क्या होगा। आप इसी के समय दक्षिण भारत में सल्तनत का विस्तार हुआ। इसके भतीजे व दामाद अली गुरशप द्वारा, समझ रहे हो, अली गुरशप द्वारा ये चला गया था एकदम कहां पे, और ये दौलताबाद चला गया था। इसने कहा कि आज से ये हमारा हुआ। और यहां पे कौन सी डायनेस्टी है? यादव डायनेस्टी। अब देखो कोई ये ना कहे कि हमारी कम्युनिटी से रूल नहीं किया है लोगों ने, यादव वंश। देखो भारत के इतिहास में आप ये नहीं कह सकते ना कि किसी खास वर्ग के लोगों ने रूल नहीं किया है। शूद्राज रूल्ड ड्यूरिंग नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद, एंशियंट हिस्ट्री। ब्राह्मिन्स आल्सो रूल्ड, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। क्षत्रियाज मोस्टली रूल्ड, क्षत्रिय तो कई सारे लोग थे। यादव डायनेस्टी भी पूरा साउथ में फैली हुई है, महाराष्ट्र से लेके और अंदर तक में, समझ रहे हो? तो ये कोई नहीं कह सकता ना कि भारत में कि मुझे रूल करने का अवसर नहीं मिला। भारत में जो जो जब जब टैलेंटेड रहा है तो उसने तब तब रूल किया है। सारी कहानी कहां पे आके टिक जाती है? यू आर टैलेंटेड और नॉट, नहीं आ रहा है समझ में? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, बी आर अम्बेडकर वॉज मोस्ट ब्रिलियंट स्कॉलर एंड मोस्ट एडुकेटेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्पाइट हैविंग जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू भी थे, हाईली स्कॉलर थे, विदेशों से पढ़े हुए थे, बहुत सारी डिग्रियां थी उनके पास, लेकिन वो भी उतने नहीं पढ़े थे जितने कि भीमराव अंबेडकर साहब पढ़े थे। समझ रहे हो क्या सिद्ध करता है? इसीलिए संविधान के जब लेखन की बारी आई ना तो ड्राइविंग सीट या ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? बी आर अम्बेडकर को। इसीलिए उनकी नेहरू से नहीं बनती थी, लेकिन नेहरू ने उनको पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि यू शुड टेक चार्ज ऑफ लॉ मिनिस्टर। रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है जितना आप विद्वान है, जबकि वो तो अपोजिशन में थे ना। नहीं आ रहा है समझ में? आ गया, ठीक है। तो यादव डायनेस्टी, ठीक है, यही सब चल रहा है मसला। इसने अपने ससुर जी और अपने चाचा दोनों, मैंने एक ही व्यक्ति है, कौन? जलालुद्दीन खलजी। इसने कहा कि अब जश्न नहीं मनाएंगे क्या? वी कॉन्क्वर्ड साउथ इंडिया, वी एक्सपेंडेड टिल साउथ इंडिया, टिल महाराष्ट्र, वी कैप्चर्ड नेक्स्ट दौलताबाद देवगिरी, वी डिफीटेड यादव डायनेस्टी, नाउ इट्स टाइम टू मेमोराइज इट।
टू मेसमराइज इट। अब तो टाइम है पार्टी का, जैसे होता है, तो उसने पूछा कि बेटा पार्टी कहाँ दे रहे हो? उसने कहा सर यहीं पहुँचो, मिलते हैं, वीकेंड आ ही रहा है, पहुँचो यहाँ पे, काड़ा इलाहाबाद, एक प्लेस है इलाहाबाद। जलालुद्दीन खलजी इनवाइटेड बाय अली गुरशप, किस लिए? पार्टी टाइम, अब विक्ट्री हुई है ना, तो कहेगा कि एक न्यूट्रल जगह पे मिलते हैं, आओ पार्टी करते हैं। खुश था, वो भी 76 साल का हो चुका है, 76 years old। हु वॉज? जलालुद्दीन खलजी। अच्छा ही लगा इसे, तो पहुंच गया। यहाँ बैठा हुआ है अली गुरशप, अली गुरशप इनवाइटेड जलालुद्दीन खलजी, एंड इन ए कॉन्स्पिरेसी किल्ड हिम। देखा, ये होती है सच्ची रिश्तेदारी। अली गुरशप ने आमंत्रित किया जलालुद्दीन खलजी को और षड्यंत्र में से मार दिया, और मारा भी बड़ा स्टाइल से। अभी मैं घटना बताऊंगा, ये नहीं कि बस आया और ब्लेड से काट के भाग गया, ब्लीडिंग हो रही है, मर गया ब्लड की कमी से, ऐसा नहीं है, बड़ा स्टाइलिश तरीके से। एक ऐसा भी होता है कि दूध में जहर मिला दिया और भाग गए, 3 दिन तक तड़प रहा था, मर गया, पता ही नहीं चल रहा है कौन मिलाया है। यहाँ पे सब कुछ ओपन है, देखेंगे अभी। अली गुरशप ने जलालुद्दीन खलजी की एक षड्यंत्र में हत्या की, एक षड्यंत्र में हत्या की, एक कॉन्स्पिरेसी की और उसकी हत्या कर दी। अब ये कॉन्स्पिरेसी तो हो गई। इसी बीच में दिल्ली में सूचना लग जाती है कि जलालुद्दीन खलजी वॉज किल्ड, ऐसा सूचना लगेगा ना, चल बसे नहीं मार दिया गया, चल बसना वो होता है जो स्वाभाविक हो। अल्लाह को प्यारे नहीं हुए थे, प्यारे करवा दिया गया था, जबरदस्ती वाला केस है ये। अब आते हैं इसी अली गुरशप पे। इंसान ठीक है, अभी देखो क्या करेगा। दिल्ली में एक रिवोल्ट हो जाएगा। एक और बेटा है, देखो सुल्तानों के कई सारे बेटे और कई सारी वाइफ्स होती थी, तो एक उसकी वाइफ है जलालुद्दीन खलजी की, मलिका जहान, मलिका जहान, मलिका जहान रिवोल्टेड एंड हेल्प्ड हर सन रुकनुद्दीन खलजी टू सेट ऑन दी थ्रोन। नहीं आ रहा है समझ में? उसकी एक वाइफ है जलालुद्दीन खलजी की, जिसका नाम है मलिका जहान, वह अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन खलजी को बैठा देगी गद्दी पे, रुकनुद्दीन खलजी। अब उधर से अलाउद्दीन खलजी यही है अली गुरशप, जब गद्दी पे बैठेगा तो नाम चेंज कर लेगा अलाउद्दीन खलजी। तो अली गुरशप को ये जब सूचना लगती है कि दिल्ली में उसी की बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी ने विद्रोह कर दिया है, पता नहीं कौन है, बड़ा है कि छोटा है, उसी के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, तो फिर वो अपनी स्पीयर के ऊपर, भाले के ऊपर जलालुद्दीन खलजी का सर लगा लेता है, देख रहे हो स्टाइल, और भाले के ऊपर उसका जलालुद्दीन खलजी का सर लगा लेता है, और घोड़े पे दौड़ते हुए भाले को ऊपर उठाए हुए, समझ रहे हो, और ये ऊपर की ओर भागा जा रहा है। वो चला आता है दिल्ली, और महल में भी वैसे ही घुसता है। भाले की नोक के ऊपर कौन है? जलालुद्दीन खलजी। और वो महल में घुसते ही घुसते सबसे पहले किसी को दिखाता है, कोई को, किसी को दिक्कत है कि मैं सुल्तान बन जाऊं, और एक हाथ में ये है, कहता है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अमंग ऑल द नोबल्स इफ आई वुड सेट ऑन द थ्रोन, आई वुड सिट ऑन द थ्रोन। लोग कहते हैं नो क्वेश्चन, यूनैनिमसली, क्योंकि जो कहेगा क्या करेगा वो, और भी थे भाले और भी तलवार थे, टांग देता उस पर। फिर वो मलिका जहान को और रुकनुद्दीन फिरोज को मार के और उसी भाले युक्त सर के साथ गद्दी पे बैठ जाता है।
ऐसे होती थी पहले ताजपोशी, ताकत दिखाना पड़ता है। और इतना ब्रूटल क्यों है, इतना खतरनाक क्यों है अलाउद्दीन खिलजी? पढ़ा लिखा नहीं है, और इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब शौक है इसको, लेकिन पढ़ नहीं पाया बेचारा इन्हीं मजबूरियों में, लड़ाई झगड़े भी तो करने थे, तो इसी मजबूरियों के चलते वो पढ़ नहीं पाया। ही वॉज एन इलिटरेट बट ही रिस्पेक्टेड ऑल दी स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। अमीर खुसरो वॉज हिज कोर्टियर पोएट, उसका दरबारी कवि है अमीर खुसरो, नाम सुना है? ठीक है। ऐसा कई जगह पे देखो जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा क्या लिखा है, इधर उधर की बातें दिखाई दे रही है। तो मलिका जहाँ कई जगह वाइफ भी लिखा है, वाइफ भी लिखा है, पता नहीं क्या केस है, और उतना हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें बस ये जानना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे नहीं बैठा था तो कौन गद्दी पे बैठा था? रुकनुद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन खिलजी लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता ही नहीं है कि कौन किसका वाइफ था, कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी, कौन बेटी होते हुए भी बेटी नहीं थी और बेटा होते हुए भी बेटा नहीं था, ऐसा सवाल नहीं पूछते। कैरेक्टर्स के नाम और कौन गद्दी पे बैठा। मलिका जहान और रिवोल्टेड इन दिल्ली एंड रिजल्ट क्या हुआ, ये हम लिख रहे हैं रिजल्ट के ऊपर, रिवोल्टेड इन दिल्ली एंड हर सन रुकनुद्दीन खिलजी सैट ऑन द थ्रोन, ऑन द थ्रोन अली गुरशप killed them and sat on the throne with title of Alauddin Khilji। सुना है? एक मूवी भी आई थी पद्मावत, है ना? और वो इतिहास वो नहीं है जैसा अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह के रूप में दिखाई दे रहा था, कुछ पागल सा दिखाई दे रहा था, कुछ बेचैन आत्मा दिखाई दे रहा था, रो भी रहा था, ही वॉज वेरी वेरी बारबेरिक। देखो सीरियल के अंदर में, मूवीज़ के अंदर में जो बड़े बड़े बादशाह हैं जो बहुत ताकतवर थे उनको बहुत कमज़ोर दिखा देते हैं, नहीं? जैसे एकता कपूर के सीरियल में अकबर का रोना बंद ही नहीं होता है और परमानेंट घरेलू मसलों में फंसा रहता है अकबर। अब मान लो कोई बच्चा अगर ज्ञान प्राप्त कर रहा हो तो सोचेगा ना कि अकबर को महान क्यों कहते हैं, इसलिए कि वो घर में फंसा रहता था, ये भी तो हो सकता है ना। एक बच्चे से रियलिटी की बात में पूछा गया कि अकबर कौन था, उसने कहा ऋतिक रोशन। खैर आई थी ना मुंह जो धाक। खैर देखो बच्चे भी अब अगर वही वाला ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कैसा होगा पता नहीं। मलिका जहान ने अपने पुत्र और रुकनुद्दीन खिलजी या खिलजी को विद्रोह द्वारा गद्दी पर बैठाया। अली गुरशप ने इनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी नाम से गद्दी संभाली। देखो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बहुत फेम आ जाए, बहुत ताकत आ जाए तो क्या करेगा, वो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देगा क्या? ही वॉज एन इलिटरेट एंड ग्रेजुअली ही एक्वायर्ड पार ऑफ इंडियन सल्तनत।
ताकतवर तो है, अगर मूर्ख व्यक्ति, अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ताकतवर हो जाए और उसकी फेम, नेम, पार्स बढ़ती जाए तो थोड़ा सा उलूल जुलूल भी काम कर सकता है क्या? यही इसी के साथ होगा, देखना। अच्छे भी काम करेगा, लेकिन एक उलूल जुलूल काम यह है कि खुद को ही ये हजरत मोहम्मद कहने लगा। He declared himself हजरत मोहम्मद। लोगों ने इसे चढ़ा दिया था कि आप ही सर्वे सर्वा। उसने कहा कि मैं एक नया रिलीजियन चलाना चाहता हूं। लोगों ने कहा चला लो, बच्चा है, कौन मना करे? कौन, जो मना करेगा मरेगा। और इसकी भी पॉलिसी वही है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इफ यू आर नॉट विथ मी, इट मीन्स दैट यू आर अपोजिंग मी एंड इन रिजल्ट आई विल किल यू। दैट इज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ये भी ये कहता था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, इसका मतलब तुम मेरे विरोध में हो और इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। देखो अब ये क्या करेगा। पूछते हैं कि कौन सा सुल्तान है जिसने स्वयं को सल्तनत का, जिसने स्वयं को हजरत मोहम्मद सिद्ध कर दिया था। वही कौन? हजरत मोहम्मद मतलब प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ। लोग कह रहे थे कि देखो ये सही बंदा है, प्रॉफेट मोहम्मद। यही सब एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को हजरत मोहम्मद सिद्ध कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ प्रॉफेट मोहम्मद एंड स्टार्टेड अ न्यू रिलीजियन। लेकिन उतना चला नहीं, इसने नया धर्म प्रारंभ किया। बस स्वयं को हजरत मोहम्मद कहा, और इसको कौन मना करे? स्वयं को हजरत मोहम्मद कहा। फिर इसने एक टाइटल ली, देखो उपाधि, नाम नहीं उपलब्ध है, मिलते ही सूचना दी जाएगी। ठीक है, उतना जान के क्या करोगे, ज्वाइन करना है क्या? नहीं, हो गया, बस इतना काफी है। ठीक है, नया धर्म स्टार्ट किया। नेक्स्ट, इसने उपाधि जो ली है खिलाफत उस नासरी अमीर उस निमुनिन। खिलाफत उस नासरी अमेरुस निमुनिन। ये एक साथ तो कम ही पूछने की संभावना है, आधा आधा करके पूछ सकता है। खिलाफत उस नासरी अमेरुस निमुनिन, आधा आधा पूछ सकता है, आधा इधर से आधा इधर से, कहीं से उठा के पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है? मीन्स एक ही नाम है। हाँ, एक ही नाम है, उपाधि है। ये राजा लोग की बड़ी बड़ी उपाधि होती थी, कई बार तो आधे आधे घंटे राजा के आने से पहले ही जो दरबान होगा ना वो बोलता रहेगा श्री श्री 1008 राजाओं के राजा होता था ना, महाराजा धीराज, परम पराक्रमी, परम भागवत, परम वैष्णव महाराज। और जब आने वाले होंगे ना तो नगाड़े तेज बजने लगेंगे, और अब महाराज पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार, जैसे रेलवे की ट्रेन आती है वो 10 मिनट चलेगा, सब लोग अटेंशन की मुद्रा में। महाराज अपने लाव लश्कर के साथ घुसेंगे अंदर, सब सुल्तानों के समय भी, राजाओं के समय भी, और सब लोग अटेंशन की मुद्रा में होंगे। फिर वो शासक इशारा कहेगा, है ना, ऐसे कुछ कर दिया या कुछ बोल दिया, सेट डाउन टाइप का, एंड देन ठीक है। तो ऐसा ही था, पहले सब दूसरा, मान लो कि कोई पहले ही बैठ गया तो उसकी पैर ही कटवा ली, बैठने लायक ही नहीं रहेगा कभी। खतरनाक थे ना पहले के राजा, हो जा कानून वानून तो था नहीं उनके लिए, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय देम, सब कानून वही निर्धारित करते थे। क्यों? बहुत ताकतवर थे वो।
इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ ऑफ बगदाद, मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ ऑफ बगदाद, बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि। बगदाद के खलीफा कौन है? रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम उस समय, है ना, खलीफा का प्रतिनिधि। जैसे ईसाइयों में पोप होता है, जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य बन रखे हैं, वैसे ही मुस्लिमों में खलीफा का एक पद हुआ करता था। इट वॉज रिलीजियस हाइएस्ट ऑफिस ऑफ रिलीजियस रिलीजियोसिटी इन इस्लाम। वही दिन रात जो फ्लैटरर्स हैं दरबारी, वो सजेस्ट करते थे। जैसे मान लो आप बहुत बड़े इंसान हो जाओगे, ठीक है, मान लो आप भारत में कुछ नेता बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, हीरो बन गए, कुछ भी बन गए, तो आपके जो आसपास आईएएस बन गए, तो आपके आसपास बहुत सारे फ्लैटरर्स हो जाएंगे क्या? चापलूस बहुत सारे होंगे। जिस दिन आईएएस बनोगे ना, उसी दिन से चापलूसी शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग जो कभी आपके संपर्क में नहीं थे, आके कहेंगे कि हमें तो जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन पता था तुम कुछ बड़ा काम करोगे। और इसलिए सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया, इसलिए सबसे करीबी व्यक्ति मैं ही हूँ तुम्हारा, मेरा कुछ काम है। ऐसा होता है क्या? बहुत सारे फ्लैटर्स अभी आपको भले कोई ना पूछ रहा हो, कह रहे हटाओ, अभी किसी से पूछोगे ना अपने बारे में कि आप, जैसे आपने किसी से प्रेडिक्ट किया कि आई विल क्रैक द एग्जाम, मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो लोग आपके सामने भले बोल दे कि हाँ हाँ ठीक है बन जाओगे चलो हटो, और ठीक है आपके सामने मजबूरी में सुन लिया, पीठ पीछे कहेंगे कि अगर इसके जैसे आईएएस बनने लगे तो देश में होगा क्या? आईएएस स्मार्ट होता है, आईएएस आईएएस होता है, आईएएस की एक अलग पर्सनालिटी होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि उसके बाल होते हैं, उसकी आंखें होती हैं, आईएएस आईएएस ही होता है बस। अभी बन जाओगे तो आईएएस की कोई शक्ल सूरत थोड़े ना होती है, जो सेलेक्ट हो जाए वही आईएएस। उसमें ऐसा थोड़ा नहीं कि एटीट्यूड चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, एकदम वो आर्यन लुक चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा, ऐसा तो है नहीं। जो सेलेक्ट हो गया वैसा ही रहेगा। तो बाद में बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें पहले से पता था, नहीं भी हो गए तो भी कहेंगे कि हमें पहले से पता था, इसकी शक्ल पे लिखा है असफलता, इसका नाम यही रखना चाहिए था, असफलता कुमार। खैर, कुछ लोग ऐसा होता है क्या कि पहले से पता था हमें, फ्री की एडवाइस देते रहते हैं कि पहले से ये घटना हमें पता थी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। किसी ने कहा कि सर आप बहुत लड़ाई झगड़े में भी एक्सपर्ट हो, वॉरियर हो आप, योद्धा हो, तो कुछ ऐसा ले लेते ना जो दुनिया याद रखती। इसने कहा क्यों नहीं, सिकंदरे सानी मैं अगली उपाधि ले लेता हूँ। सिकंदरे सानी, सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय अलेक्जेंडर, सिकंदरे सानी ये कहता था। देखो इसको विश्व विजय जीत करने की इच्छा थी, अलेक्जेंडर जैसा। ये सोच रहा था कि पूरी वर्ल्ड टूर पे निकलूँ मैं, वर्ल्ड पे पूरा इन्वेजन करूँ। दिल्ली का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल था, कोतवाल था, उसने सजेस्ट किया कि सर अभी अभी तो राजा बने हो और इतना उड़ रहे हो, दिल्ली छोड़ के जिस दिन हटोगे ना उस दिन दूसरा कोई कब्जा कर लेगा, तो विश्व विजय छोड़ो और उपाधि ले लो, बस नाम ही ले लो, निकलो मत, जिस दिन निकलोगे दिल्ली से दूसरा कोई कब्जा कर लेगा। देन उसने क्या किया, वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट को छोड़ दिया और फिर दिल्ली में ही रहा। तो उपाधि कौन सी ले ली, ही टुक टाइटल ऑफ सिकंदरे सानी, ही वॉज इम्पर्सोनेटिंग हिमसेल्फ एज सेकेंड अलेक्जेंडर, ही वॉन्टेड टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड सिमिलर एज अलेक्जेंडर, बट सजेस्टेड बाई कोतवाल ऑफ दिल्ली इमीडिएटली सस्पेंड दैट ambitious project, because if you would left Delhi then someone else captured Delhi, so he immediately suspended and only took the title of Sikandar Sani to fulfill his aspirations. Bharat mein to akraman karega hi, kyon videsh mein nahi jayega, Bharat mein to karega hi, aur wo Chittor pe karega, Ranthambore pe karega, aise kai jagahon pe wo akraman karta hua dikhai de raha hai, theek hai। सिकंदरे सानी, इसने उपाधि ले ली। दूसरा सिकंदर,
ठीक है। अब इसको एक बड़ी मिलिट्री चाहिए क्या? लड़ाई लड़नी है तो बड़ी मिलिट्री चाहिए क्या? तो इसकी सबसे इसने फिक्स्ड मिलिट्री कर दी। फर्स्ट टाइम ही ऑर्गेनाइज्ड परमानेंट मिलिट्री। स्थाई सेना चाहिए क्या? अच्छा मान लो जिसको परमानेंट लड़ाई लड़नी हो तो क्या उसको 10-20 लोग परमानेंट चाहिए क्या? जैसे मान लो कोई दिल्ली में हो और बात बात में लड़ाई करता है तो अपनी टीम बना के रखेगा ना। कुछ लोग नहीं कहते हैं कभी, रुको बुलाते हैं 20 लोगों को। ये कौन से लोग हैं? ये वही हैं जिन्होंने अपनी परमानेंट मिलिट्री बना रखी है, अलाउद्दीन खिलजी जैसा। देखो वो लड़ेंगे नहीं आपसे, जैसे आपसे कुछ तकरार हो गई रोड के ऊपर या किसी दुकान के ऊपर तो कहेंगे बस यहीं खड़े रहो, 10 मिनट में 20 लोगों को बुलाते हैं और 20 मिनट में 40। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी गुरिल्ला टीम तैयार कर रखी है, गुरिल्ला वॉरफेयर वाली। सब एक दूसरे की म्यूचुअल एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी पे काम करते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर हमला इस पूरे ग्रुप के ऊपर हमला माना जाएगा। इसलिए इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत के ऊपर, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हैं। वो 40 एक जगह पहुंचे रहेंगे जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट होगी। खैर ये भी ऐसा ही करेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड, ही ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम अ परमानेंट मिलिट्री। परमानेंट मिलिट्री लड़ना है परमानेंट तो मिलिट्री भी परमानेंट चाहिए। सर्वप्रथम इसने सल्तनत काल में, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग सल्तनत हु ऑर्गेनाइज्ड परमानेंट मिलिट्री। फर्स्टली ही वॉज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने सल्तनत में, कहानी आ रही है समझ में? सल्तनत में सर्वप्रथम स्थाई सेना संगठित की, स्थाई सेना संगठित की। अब देखो मिलिट्री को रखना होगा तो उनको पैसा भी तो देना होगा ना। ही स्टार्टेड कैश सैलरी, कैश सैलरी। सबसे पहले इसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया। प्रश्न समझ में आ रहा है? सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया कि किसने सल्तनत के काल में सैलरी सिस्टम सैनिकों के लिए स्टार्ट किया था। हु स्टार्टेड? अलाउद्दीन खिलजी। कैश सैलरी टू मिलिट्री इज स्टार्टेड। सेना के नकद वेतन को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। कैंटीन सिस्टम किसने चलाई थी पहली बार मिलिट्री के लिए? आज भी कैंटीन होती है क्या? टिल येट वी आर फेवरिंग कैंटीन सिस्टम फॉर द मिलिट्री बिकॉज ऑफ लो सैलरीज। सैलरी लो होती है मिलिट्री में, लेकिन कैंटीन में बहुत सस्ते सामान मिल जाते हैं क्या? इवन जैसे आपके मोहल्ले में पहले होता था बहुत ज़्यादा, आजकल तो थोड़ा कम हो रहा है। पहले होता जो कोई मिलिट्री में काम कर रहा है ना तो उसको लोग बोलते थे अटैची लेते आना, साबुन लेते आना, कुछ पीने पाने की व्यवस्था लेते आना, सस्ता मिलेगा 50% के हिसाब से। कैंटीन सिस्टम, जो कोई भी मिलिट्री में होगा या उसके रिलेटिव होंगे वो जानता होगा कैंटीन के फायदे। और वो आदमी जो मिलिट्री में, वो हैरान परेशान रहता है, पूरे मोहल्ले का सामान ढोएगा, रिश्तेदारी का सामान ढोएगा, उसका सामान होता ही नहीं है, एक आधी सामान होते हैं। खैर कोई कोई ये भी नहीं जानता, पता नहीं, ये सब एलियन लोग हैं। एलियन इस पृथ्वी पे कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं पीके जैसा। चलो नेक्स्ट, कैंटीन सिस्टम भी इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसने मिलिट्री को कैटेगराइज कर दिया। फूड फूट सिपाहीज थे, मतलब पैदल सैनिक, एक लिखते थे ऐसे, एक अस्पा, दो अस्पा, ये क्या है? एक अस्पा, दो अस्पा, वन सिपाही, वन हॉर्स। एक सैनिक के पास एक घोड़ा होगा
और यहाँ पे है वन सिपाही टू हॉर्स, उसको क्या कहेंगे? रैंक किसकी हायर होगी? जिसके पास घोड़े अधिक होंगे, हायर रैंक ऑफिशियल। एग्जाम में पूछा गया कि कैटेगराइजेशन ऑफ मिलिट्री इन विच टर्म्स, फुट सिपाहीज एक अस्पा एंड दो अस्पा, वन सिपाही विथ वन हॉर्स, वन सिपाही विथ टू हॉर्स। हाँ हाँ वैसा ही है सब मसला, देख रहे हो कितना ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये सब ऑर्गेनाइज कर लिया उसने, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा ये, मार्केट रिफॉर्म्स अलग से देखेंगे इसे, मार्केट रिफॉर्म्स, बाजार सुधार, बाजार सुधार किसके लिए है? इन्फ्लेशन कंट्रोल, देख रहे हो चीन का सिस्टम बना रखा है कीमतों को स्थिर करने के लिए, कीमत स्थिरता, सामान उतने का ही बिकेगा जितना कि सुल्तान तय करेगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स डिसाइडेड बाय सुल्तान। इसके लोग छुप छुप के मार्केट में घूमते थे और किसी ने अगर प्राइस अधिक पे बेच दिया तो उसको सजा दी जाती थी। एवरीथिंग बॉस, हाँ दो अस्पाई, ठीक तो है, एक सैनिक दो घोड़े और एक सैनिक एक घोड़ा ऊपर वाले में, ठीक है। आसपा मने आश्व से संबंधित लग रहा है। अब इसकी कंक्वेस्ट शुरू होगी, सबसे फेमस है 1303 में चित्तौड़, ये कहानी तो सुना ही होगा। एक बहुत बहुत एपिक पोयम वाली किताब है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है और उसको कहते हैं पद्मावत। हु वाज ऑथर, कौन है इस? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखा है इसे? ठीक है, 1540 ड्यूरिंग दी शेर शाह सूरीज पीरियड, ये लिखा है शेर शाह सूरी के काल में, लगभग 200-250 साल बाद ये कहानी लिखी गई है। कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन चित्तौड़, और उसमें खूब सारी बातें कहानियों के बारे में लिखी गई घुमा फिरा के, कि महाराजा रत्न सिम्मा है चित्तौड़ के राजा, उनकी एक वाइफ हैं पद्मावती, और एक पद्मावती और रत्न सिंह के यहाँ एक तोता है जिसका नाम है हीरामन, और हीरामन दरबार में नियुक्त है। अब देखो पद्मावती वॉज प्रिंसेस ऑफ श्रीलंका, तो ये जो हीरामन है रिश्ते तय कराता है, ठीक है, उस नॉवेल में लिखा गया है पद्मावत में कि ये रिश्ते तय कराता है, बोलने वाला तोता है, खूब फर्राटेदार बोलता है। तो ये श्रीलंका से चल के और आता है चित्तौड़ में और रत्न सिम्हा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ रखा है, श्रीलंका की राजकुमारी है पद्मावती, उसके साथ शादी करोगे? रत्न सिम्हा की ऑलरेडी शादियां हो रखी हैं, लेकिन राजाओं को शादियों से कोई परहेज नहीं था। देन ही एग्रीड टू मैरी एंड मैरिड विथ पद्मावती। पद्मावती अब चित्तौड़ में आ जाती है। अब ये सोचता है ना हीरामन कि इसको बहुत दरबार में इज्जत मिलेगी, काल्पनिक लग रहा है क्या मसला? हीरामन आदमियों जैसा व्यवहार कर रहा है। हीरामन सोचता है कि उसे दरबार में बड़ी पदवी मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन रत्न सिंह उसकी उसको ज़्यादा इज्जत नहीं देते। हीरामन को बहुत दिल से चोट लग जाती है। हिज ईगो वॉज शटर्ड, डिग्निटी वॉज डिस्ट्रॉयड, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज। हीरामन को अब गुस्सा आ जाता है, उसको बदला लेना है, और वो सोचता है कि मैं कैसे रत्न सिम्हा को बेइज्जत करूं। इसी बीच में भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन आ जाता है। हीरामन तोता उड़ के जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और कहता है कि महाराज आपके लिए एक रिश्ता लाया हूं मैं। वो कहता है कि बताओ भाई कौन सा रिश्ता लाया? उसने कहा कि जी लड़की का नाम पद्मावती है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ की रहने वाली है, रिश्ता भिजवा देते हैं। तो उसने कहा जी सर एकदम आपके लायक रिश्ता है, ये मैं फोटो वोटो भी लाया हूँ, बस एक ही दिक्कत है उसका पति यही थोड़ी सी दिक्कत है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ इट, और उसी चक्कर में चित्तौड़ पे हमला कर देता है और रत्न सिंहा को मार देता है, रत्न सिम्हा को मार देता है, और जो पद्मावती है वो जौहर कर लेती है अन्य रानियों और लोगों के साथ, जौहर माने आग में कूद जाना, ठीक है। और फिर
अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख देता है. ही चेंज द नेम ऑफ चित्तौड़ खिजराबाद. होल स्टोरी अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन दी चित्तौड़ इज ट्रू बट होल स्टोरी इज फैब्रिकेटेड. नहीं लग रहा है, थोड़ी बहुत सच्चाई होगी लेकिन हीरामन तोते को सुपरस्टार बना रखा गया है पूरी कहानी में. कितना सही लग रहा है. तो जब पद्मावत मूवी बन रही थी तो लोग इतना उत्पात मचाए हुए थे, जितनी अपनी माँ के लिए नहीं रोया उतना लोग पद्मावती माँ कह कह के रो रहे थे. एक काल्पनिक कहानी है, अटैक सही है, अलाउद्दीन खिलजी का इंटेंट भी सही हो सकता है, लेकिन कहानी में बहुत सारी इमेजिनरी चीज़ें ली गई हैं. समझ रहे हो? इवन संजय लीला बंसाली को मारा भी गया था सेट पे कि तुम गलत डिपिक्ट कर रहे हो. उसने ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं था. ठीक है, क्लियर है मसला? तो इसकी कॉन्क्वेस्ट देखेंगे कल कि इसने कहाँ कहाँ पे आक्रमण किया अगली लेक्चर में, और फिर इसने कौन कौन से मार्केट रिफॉर्म्स किए थे. फिर हम अगली डायनेस्टी पे सल्तनत के आ जाएंगे, लेकिन अगली क्लास.